तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैंने कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से अकलाता था, बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीब में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17 22 32 40 में नहीं लिखा है वलकद यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़अल में मुद्दकर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे लोग के सामने, मेरे बारे में गलत फहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहां के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे जिसमें क्या कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं, जब मैं तकरीर करता हूं बात करते कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कहे सब कते लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, बोलेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है। मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है, उसको खुद को मैं दिखाऊंगा आपने कहा नहीं। नहीं हो सकता है सबकते लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादिन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके। तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके सवाल का मौका, आमतौर पे मजहबी तकरीब में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है, होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं वो बहु पूछे, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत भी हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुभान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग लाखों लोग कुरान मजीद के